माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यिबीन अत्तोहिरीन वलनल्लाहु अला अदाहिम अजमईन व मुनकिर फज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजातिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशईम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, हल्का सा ईगो भी बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुजुर्गान कौम, साहिबान फहमो ज़का, मातमदारान व पुरसादारान खान वाद इसमत तहारत, सोगवारान सईदुश्शहदा व साहब बावफा, जुलूस हमारी सरजमीन कसपुरा 2022। मैं शुक्रगुजार हूँ जुमला मोमिनीन कसपुरा का, इंतज़ामिया कमेटी का, कि हर साल की तरह फिर इस हकीर को इस लायक समझा कि आज आपकी बस्ती में उनका ज़िक्र करने की सआदत हासिल करूं, कि जिनके नाम भी फ़रिश्तों ने संभल संभल के लिए हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा वक्त न लेता हुआ कुछ अहम मरहले इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन जैसे मैं बिल्कुल अभी अभी आया हूँ ज़ीशान भाई और अभी अभी हाज़िर हो गया, जब मैं वहाँ से चला तो मैं देख रहा था कुछ अक्सरियत यहाँ खड़ी है, कुछ अक्सरियत वहाँ खड़ी है। अकलियत हो तो समझ में भी आए, लेकिन अक्सरियत में यहाँ और वहाँ खड़े हैं। याद रखिएगा, कुछ खड़े, देखिए मरहला है, महसूस करिएगा, कुछ मिले फर्शे अज़ा पर, कुछ खड़े थे चौक पर, आमादा है, कुछ मिले फर्शे अज़ा पर, कुछ खड़े थे चौक पर, जिसकी जैसी तरबियत थी वो वहाँ पाया गया। अमादर ये कहता कि बात से बात, यहाँ साहब वक्त बहुत कम है, लिहाजा बहुत जल्दी जल्दी, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पुरसा देने की गरज से आए हैं तो याद रखिए पुरसा घर में अदब से बैठ के दिया जाता है, तमाशाइयों की तरह खड़े होकर पुरसा नहीं दिया जाता है। ये जिक्र सैयदुश्शहदा है, ये मजलिस इमाम हुसैन है, किसी दादा पीर का उर्स नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मजलिस हुसैन है, कोई मेला नहीं है, ये मजलिस हुसैन है, कोई जलसा नहीं है, ये मजलिस हुसैन है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये मजलिस हुसैन है, ये मुकद्दर सवारने की जगह है, वक्त बर्बाद करने की जगह नहीं है। लिहाजा यहाँ आए हैं तो यहाँ अदब के साथ बैठने की आदत मानिए और यहाँ बैठने के आदि बनिए। और अक्सर बहरहाल मैं जुमले को कोट करता हूँ, आप माने ना माने, आज ये जो आज़ादारी आप इस सलाह पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद, मियार पे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस और बस हमारी कौम की माँ और बहनों की देन है। अगर आज सोसाइटी में औरतों का मियार बुलंद ना होता, आज आज़ादारी भी बुलंद ना होती। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए जो हजार मुझे मुसलसल सुनते हैं सुनते हैं, मेरा एक मिजाज है, मेरा एक ब्रांड है, एक मेरी पहचान है, लिहाजा अपने पहचान की मुखालफत नहीं करूँगा और तारीख जुमले मैं आप तक पहुँचाऊँगा ताकि मेरी बात आप तक पहुँच जाए। हमारे मजहब इस्लाम में, खुसूसन मजहब शियत में चार पॉइंट है, चार पॉइंट। पहला पॉइंट है इस्लाम भेजने वाला, दूसरा है लाने वाला, तीसरा है पहुंचाने वाला, चौथा है बचाने वाला। यार हमारा रहिएगा, चौथा है बचाने वाला, भेजने वाला है अल्लाह, लाने वाले हुजूर, पहुंचाने वाला अली, बचाने वाला। यार फाइनल है, कुछ शक है तो बोलो ना, बचाने वाला हुसैन। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कौम की माँ और बहनें भी मुझे सुन रही हैं, ये कहेंगी किबला ये कौन सा इस्लाम है, क्या इस्लाम को बचाने के लिए सब मर्दों ने किया, औरतों ने कुछ नहीं किया? ना घबराइए, नहीं, हर मर्द के साथ एक औरत है, मोहम्मद के साथ खदीजा। यार बहुत थका हूँ, लिहाजा मैं बहुत मूड में और कोशिश करूँगा डूब के पढ़ दूँ, और माशाल्लाह ये लोग तो बोल रहे हैं और
पीछे वाले अल्लाह जाने क्यों नहीं बोल रहे। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते, बड़े लोग कम लफ्जों में ज्यादा बात करते हैं। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौल है मौला का, मौला ने फरमाया बोलो ताकि। अच्छा इस हदीस में तो वो भी बोले जो अभी तक बोले नहीं थे, यानी पता सब कुछ है, अमल के लिए तैयार नहीं है, यानी आप बेअमल नहीं है, बेखबर है। मैं क्या कह रहा हूं, आप बेअमल नहीं है। मैंने कहा मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ, जुमले को कोट करिएगा और याद रखिएगा कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है दुकान कोयले की है या हीरे की है। से बात पहुंचना चाहिए भाई, मजहब इस्लाम में चार पॉइंट है, है ना भाई। ये मर्द सोच बहरहाल हमारी कौम की माँ और बहनें तशरीफ फरमाए, मैंने कहा आज आजादारी को जो फरोग है, आज आजादारी जो बुलंद है। अब आप दिन भर में कितनी मजलिस से करते होंगे, दो तीन, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, इन औरतों से पूछो सुबह से शाम, शाम से रात आजादारी, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, अगर औरत नहीं होती तो आजादारी नहीं होती। मैं दलील दूंगा, दलील है मेरे पास, मैं दलील देता हूं भाई। मजहब इस्लाम में चार पॉइंट, लाने वाले हुजूर, पहुंचाने वाला अली, बचाने वाला, यार ऊंचा सुनता हूं यार मिंबर पे मैं, है बचाने वाला है भाई। हर मर्द के साथ एक औरत है, मोहम्मद के साथ खतीजा, और वैसे भी जुमला मेरा हया हमेशा याद रखिएगा, सबका मुकाबला खतीजा से ना करिएगा, वो इसलिए कि जौजा होना और है, खतीजा होना और है, जौजा होना और है, खतीजा होना और है। अच्छा ये पढ़ा लिखा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह अंबेडकर नगर का तशरीफ फरमाए, ये कहेगा किबला ये क्या बात है, ये जो आपने कहा जौजा होना और है, खतीजा होना और है। देखिए जो गैर शादीशुदा है हो सकता है वो ना समझे, लेकिन जो शादीशुदा है बहुत करीब से समझेंगे। और वैसे भी हर वक्त ये नहीं देखा जाता जो खतीब है उसमें कितना दम है, कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। मैंने कहा जौजा होना और है, खतीजा होना और है, का वो कैसे, जौजा नाम है मुतालबे का, खतीजा नाम है कुर्बानी का। यार जवानों का कसम खुदा क्या मादरना, भाई भाई मोहम्मद के साथ खतीजा, अली के साथ फातिमा, हुसैन के साथ ज़ैनब। भाई मैं आपकी बात से बात को रिलेट कर रहा हूँ, हुसैन के साथ ज़ैनब, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जौनपुर आजादारी के जरिए से, और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आज के कसपुरा के इस तारीखी प्रोग्राम में, नवेदाब एक पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया को। मैं इसलिए कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, वो घर बर्बाद हो जाते हैं जहाँ बेटियों की इज्जत नहीं होती। हाँ भाई मैं कहता हूँ बेटियों को लिखाओ, बेटियों को पढ़ाओ, माशरा बेटियों से है। एक जुमला कहूँ या जुमला जाया ना करना, जिन्होंने अपनी बेटियों को गोद में लिया है वो अप्रिशिएट करें, सरों को उठाए, बहसियत एप्लीकेंट जुमला सर कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, और तारीखी जुमले हैं ना, मैं बार बार आने वाला हूँ ना, जुमले बार बार सुनने को मिलेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ बेटियों को पढ़ाओ, वो इसलिए कि मोमिनी ने अम्बेडकर नगर, याद रखिएगा मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। यार जो उर्दू समझ रहा है वो तो बोले ना, मैंने कहा मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है, जब मर्द बिगड़ता है अकेला मर्द बिगड़ता है, औरत बिगड़ती है माशरा बिगड़ता है। भाई मर्द बिगड़ता है तो अकेला मर्द बिगड़ता है, औरत बिगड़ती है तो माशरा बिगड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटियों को पढ़ाओ, यार जब तुम घर से एक पढ़ी लिखी बेटी को रुखसत करोगे, बेटी एक जाएगी, पढ़ी लिखी नस्ल पूरी जाएगी। मैं समझ रहा हूँ जो खामोश बड़े मजलूम है यार, है पर ये तो आता रहेगा सरकार, इस मरहले को छोड़िए, आप मुझे सुनिए है भाई। भाई प्लीज यार मुझे देखे यार, प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट यार, हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है, क्या कही? है ना, और वैसे भी इस वक्त तो किबला मैं हूं ना, तो लिहाजा किबले की तरफ करके इबादत करें। अगर किसी को बारिश से दिक्कत हो अंदर आप तशरीफ इधर उधर ला सकते हैं, अमद रहिएगा। मैंने कहा जब आप घर से एक पढ़ी लिखी बेटी को रुखसत करते हैं, बेटी एक जाती है, यार मुझे देखो ना, नस्ल पूरी जाती है। जब एक जाहिल बेटी को रुखसत करते हैं, बेटी एक जाती है, नस्ल पूरी जाहिल जाती है। मैंने कहा पढ़ी लिखी बेटी घर से रुखसत करो, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, जब घर से पढ़ी लिखी बेटी को रुखसत करोगे, जब कभी भी शादी के बाद चार पढ़ी लिखी बहुएं आपस में बैठेंगी तो बातें करेंगी, तुमने इंटर कहां से किया, तुमने बीए कहां से किया, तुमने एमए कहां से किया, तुमने पीएचडी कहां से करी। इसके बरस जब कभी भी कहीं पर चार जाहिल बहुएं बैठेंगी, कभी किसी की घर की बातें, कभी किसी की घर की,
मुझे पता था सब नहीं बोलेंगे, सलवा पड़े मोहम्मद वाल। और जब बेटियां पढ़ी लिखी हो तो फायदा कैसे पहुंचाती हैं? भारत सोच के तो कुछ आया था लेकिन मौसम साथ छोड़ रहा है, लिहाजा मैं भी तकरीर के जुमलों में तरमीम कर रहा हूं। जब बेटियां पढ़ी लिखी हो तो फायदा कैसे पहुंचाती हैं? और अगर किसी की बेटी जैनब हो, एक भाई मैंने हदीस नहीं पढ़ी, हदीस का तर्जुमा भी छोड़ दिया। अच्छा इजाजत दे तो कर दो हदीस का तर्जुमा, है डेढ़ दो मिनट लगेगा यार। मुझे देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, नो टेंस नो डिस्टेंस, लारा बेटा यकीनन 110% अल्लाह का नबी कह रहा है। हुसैन हिदायत के रोशन चराग है, जहां चराग जलेगा वहां रोशनी होगी। जहां मैं उर्दू पढ़ाना नहीं बात पहुंचाने आया हूं, जहां चराग जलेगा वहां रोशनी होगी। ये जो गली गली में घूम के कहते हैं ना मजलिस बिदत है, मजलिस बिदत है, हकीकत में अम्बेडकर नगर वालों ये मजलिस के दुश्मन नहीं, ये रोशनी के दुश्मन है। भाई नाराज है क्या, नाराज है क्या है? है? भाई जो समझ रहा है वो बताए ना, ये मजलिस के दुश्मन नहीं। आहिस्ता से पढ़ के देखता हूँ यार, ये मजलिस के दुश्मन नहीं, ये रोशनी के दुश्मन है। वो इसलिए कि बाबा कभी भी चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती। खुदा की बड़ी आसानी से जुमले सुन रहा हो यार, तक करी हाथ उच्चे ऐसी सलवात पढ़ दे कि आप लोग की आवाज भी यहां आ जाए। सब पढ़िए तरह मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं एक वक्त में हर जगह निगाह रखता हूँ, है अब बिल्कुल अमाद रहिए का। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हुसैन देखिए चिराग का जिक्र आया तो आसमान ने भी क्या कह दिया, है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, पल के झपका सांस ले लो तारीख जुमला, हुसैन हिदायत के रोशन चिराग है, हुसैन है चिराग रोशनी है ज़ैनब। यार पढ़ा लिखा मजमा बैठा है मेरे भाई, मैं से खूबसूरत लफ्ज कहां से, भाई भाई जुमले जाया ना हो जाए वरना अफसोस रहेगा। भाई हुसैन है हिदायत के रोशन चिराग, मुझे देखे हुसैन है हिदायत न बने, हुसैन है हिदायत के रोशन चिराग, रोशनी है ज़ैनब। वो कैसे? ज़ैनब ने पहली मजलिस शाम में कर शाम को सुबह बनाया। कहां से लफ्ज़ आया भाई, जो समझ रहा है वो बताए ना, मेरी बात पहुंच रही है। मैं बता रहा हूं दी वैल्यू ऑफ वुमैन, दी पावर ऑफ वुमैन, औरत क्या है, औरत की ताकत क्या है, औरत की पावर क्या है, औरत का मर्तबा क्या है इस्लाम में, औरत करती क्या है। शहजादी ज़ैनब आलिया ने पहली मजलिस करी शाम में, जाइए मक्तल भाग देखिए, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ और हवाला मैं जेब में साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल के आए। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ भाई, क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, हुसैन हिदायत के रोशन चिराग है, हुसैन है चिराग रोशनी है ज़ैनब। मक्तल कहता है शहजादी ज़ैनब आलिया ने पहली मजलिस करी शाम में, करी ना जी बेशक, करी तो काहे पे करी, खाक पे करी। ऐ मेरी शहजादी, आप तो ऐसे भाई की बहन हो जिस हसन का ये दावा है, लवशे तो फजाल तो इराकन शामन शामन इराकन वाशकत समाय अल अर्ज। ऐ शहजादी ऐसे भाई की बहन हो जिसका ये दावा है, अगर मैं हसन चाहूं इराक को उठाऊं शाम में फेंकूं, शाम को उठाऊं। हाय 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 भाई, ऐसी जबानों को क्या फायदा यार, जो सड़कों चौराहों पे दौले फर्श आजाए हुसैन पे खामोश हो जाए। सलामत रहिए, वक्त नहीं सलामत रहिए। सुनिए बहुत अहम जुमले पहुंचा रहा हूं, शहजादी ज़ैनब ऐसे भाई की बहन हो जो इराक को उठाए शाम में फेंके, शाम को उठाए इराक में फेंके, आसमान को खींचे जमीन से मिलाए। यार मौला का जुमला कोई खिताबत नहीं, ऐ मेरी शहजादी ऐसे भाई की बहन हो तो पहली मजलिस खाक पे क्यों कर रही हो? हुक्म दे दो, बादल के टुकड़े आएंगे, फर्श आजा बन जाएंगे, तुम्हारे सुनने को सलाम है। ऐ मेरी शहजादी, फकरे सुलेमान की बेटी हो, अगर हुक्म दे दो तो तख्ते बिल्कीस चलाए, उस पे मजलिस हो जाएगी,
तारीखी जुमला होने वाला है अम्बेडकर नगर की जमीन पर। एक लम्हे के लिए कैमरा घुमाइए, क्योंकि अब जुबान बोले ना बोले चेहरा तो बोलेगा। भाई शहजादी इतनी शर्तें मनवाई अजीज से, ना शहजादी ने बादल को टुकड़ों को फर्शाजा बनाया, ना तख्ते बिल्किस मंगाया, पहली मलिस काहे पे करी भाई जो खड़े हैं काहे पे करी खाक पर। मैं कहूंगा शहजादी जहां मलऊन इब्ने मलऊन इब्ने मलऊन यजीद से इतनी शर्तें मनवाई है, एक शर्त और मनवाइए यजीद से, कहिए कोई कालीन भेजे वो बिछेगी उसमें मजलिस होगी। अजब नहीं शहजादी कहे नवेद आबदी, होश के नाखून खरीदो और याद रखो कि गजबी चीजों का इस्तेमाल आजादारी में नहीं होता। अल्लाह जाने जो खामोश है क्यों खामोश है, अल्लाह जाने। देखो जुमला इतना हल्का तो नहीं था ना, है काश के जितनी मेहनत मैं एक अकेला आदमी कर रहा हूँ उतने तुम सारे मिलके मेहनत कर लो। याद रखो गजबी चीजों का इस्तेमाल आजादारी में नहीं होता। शहजादी ज़ैनब आलिया ने ना तख्ते बिल्किस मंगाया, ना बादल के टुकड़ों को फर्शादा बनाया, ना कोई कालीन मंगाई, कहे पे करी पहली मजलिस? ना ना ना, कहे पे करी, कहे पे करी खाक पे। शहजादी ज़ैनब ने पहली मजलिस खाक पे करके ए अंबेडकर नगर वालों तुम्हें ये पैगाम दिया है, खबरदार गुर्बत की वजह से आजादारी ना छोड़ना। गुर्बत की वजह से है, मैं बताऊं ज़ैनब क्या है, है? अल्लाह आपकी बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे, आप अपनी बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखें। मैं बताऊं ज़ैनब क्या है, जीशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बाहर पड़ा, लेकिन इससे बड़ा जुमला जो आज इस वक्त कसपुरा जुलूस से हमारी 2022 में नवेद आबदी फजाइल बाबे बी ज़ैनब में पढ़ने जा रहा है, मैं इससे बड़ा जुमला फजीलत बीबी ज़ैनब में पढ़ नहीं सकता जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं बताऊं ज़ैनब क्या है भाई, सुनोगे सुनोगे, मैं बताऊं ज़ैनब क्या, सुनिए लो भाई, सुनिए बात भाई, क्या है ज़ैनब? अल्लाह रे रिफते इस्मत शहजादी ज़ैनब, अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक कि गोद में खिलाने वाले पंजतन मुकम्मल नहीं हो गए। यार मुझे अंबेडकर नजर आना चाहिए या शायद समझे नहीं सरकार, आप तक लगता है बात नहीं पहुंची। मैंने कहा ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। मैं कहां से लफ्ज़ लाऊं, कहां से? ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। अमां अंबेडकर नगर वालों, जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे ज़ैनब कहते हैं। सुनने को सलाम है, मौला इन उठते हुए हाथों को किसी जलील का मोहताज ना करे, है? ये है ज़ैनब, आपका समझोगे ज़ैनब क्या है? है? बस मैं यहां से वक्त खत्म हो रहा ना, चार फिक्रे पढ़ूंगा ज़ियारत बीबी ज़ैनब के। जीशान भाई प्लीज, नबन भाई प्लीज, यार मैं भी बड़ा सेंसिटिव हूं यार, अगर आप लोग रो पढ़ोगे तो फिर मैं रो पढ़ूंगा, फिर पढ़ नहीं पाऊंगा। है मुझे यहां से 12-15 मिनट के अंदर गुफ्तगू को मैं समेट दूंगा, है इजाजत है ना, है वक्त देंगे ना मुझे? मैं बताने जा रहा हूं ज़ैनब क्या है। काश के यार जब शहजादी ज़ैनब दुनिया में आई ना, रसूल अल्लाह ने आगोश में लिया है और क्या कहा, हाज़ी मसीलो खतीजा, ये मेरी नवासी ज़ैनब अपनी नानी खतीजा की मिसल है। अच्छा किसने कहा ये? अल्लाह के नबी ने। अल्लाह का नबी कौन? कुरान नातिक, जो कहते वो हदीस, लफ्ज कहूं ज़ैनब वो हदीस है जो कुरान की आगोश में पली है। यार इतना बड़ा जुमला मैंने कहा तुमने जाया कर दिया यार। ज़ैनब वो हदीस है जो
कुरान थक तो नहीं रहे हैं, कुरान की आगोश में बली है, चार फिक्र पढ़ूंगा ज़ियारत के, और अगर तुम आमादा हो गए तो एक फिक्र और बढ़ा दूंगा है? लेकिन अपनी तरफ से नहीं पढ़ूंगा। दूर दराज से आए हो यार, मन्नतें लेकर आए हो, मुरादें लेकर आए हो, दुआएं लेकर आए हो है? है? कैसे कैसे दूर दराज से सरकार सफर करके आप लोग बहरहाल यहां आते हैं। याद रखे कुछ चीजों का अज्र सिवाय हुसैन के माँ के कोई नहीं दे सकता, उसमें से तुम्हारी एक शिरकत है। खुसूस अगर जुमले पहुंच जाए कौम की माँ और बहनों से कहूंगा अपने सुहाग, अपने बच्चों, अपने भाइयों के हक में दुआ करना, क्योंकि तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं है? और शहजादी जैनब का जिक्र हो तो बहरहाल दुआएं तुम मांगना, आमीन इमाम जमाना कहेंगे है? पहला फिक्रा पढ़ता हूं, ज़ियारत बीबी जैनब का, प्लीज जो जहां पर है मुझे देखे, पहला फिक्रा पढ़ता हूं ज़ियारत बीबी जैनब का, अपनी तरफ से, अपने वालदैन की तरफ से, आप सबकी तरफ से, आप सबके वालदैन की तरफ से, आप सबके मरहूमीन की तरफ से, तमाम मराजे कराम की तरफ से, खुसूसन हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान की तरफ से, खिदमत बीबी ज़ैनब में क़ुर्बतन इलल्लाह, मुझे देखो पहला फिक्रा, अस्सलामु अलैकी या अकील ए बनी हाशिम, ए बनी हाशिम की आकला तुझ पे हमारा सलाम। यार मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर नहीं किया, कितने पढ़ना है मुझे फिक्रे, चार कहा था, पांच की शर्त यह है कि अगर डूब के सुन लोगे तो पांचवा सुनाऊंगा। पहला तुमने नहीं सुना ना, अमादा होकर नहीं सुना, नहीं करूंगा वजाहत, आगे बढ़ो। मुझे लगेगा ना ज़ियारत के जिस फिक्रे पर सरजमीन कसपुरा अंबेडकर नगर पर मौजूदा यह मजमा डूब चुका है, उसी जुमले की, उसी ज़ियारत के जुमले की वजाहत होगी। नहीं डूबोगे वजाहत नहीं करूंगा, इस जुमले पर नहीं डूबे ना तुम, नहीं करता विजाज, सर को उठाओ, मैंने पढ़ दिया फिक्रा, अस्सलामु अलैकी या अकीला बनी हाशिम। काश के गौर करते यार, ए बनी हाशिम की आकला, या खुतबा बीबी ज़ैनब तो बहुत सुनते हो, ज़ियारत बीबी ज़ैनब पहली बार सुन लो है? सुन लो, ए बनी हाशिम की आकला तुझ पे हमारा सलाम। यार गौर करते ना, जिस खानदान में अकील जैसा अकलमंद हो, कहां से लौट लाऊं यार, ना तुम डूबे नहीं ना आगे बढ़ के। दूसरा फिक्रा पढ़ता हूं, चौथे या पांचवे मजलिस तमाम, दूसरा फिक्रा, तकरीर तमाम हो जाएगी, दूसरा फिक्रा, अस्सलामु अलैकी या अदीलतल हुसैन, ए हुसैन की बराबरी करने वाली। नहीं डूबे यार तुम, फिर नहीं डूबे, नहीं डूबोगे, नहीं करूंगा वजाहत, आगे बढ़ो, मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया, ए हुसैन की बराबरी करने वाले, काश के मेरा साथ देते यार तो मैं वजाहत करता ना, ए हुसैन की बराबरी करने वाले। यार सोचो ना, आदम से लेकर ईसा तक कोई हुसैन की बराबरी नहीं कर पाया। आए हाय, मैं खून जिगर दे रहा हूं मेरे बाबा है? है? ये कौन बीवी है जो हुसैन की बराबरी कर रही है? नहीं डूबे, आगे बढ़ो, अगला फिक्रा पढ़ता हूं, शायद डूब जाओ, डूब जाओगे तो वजाहत करूंगा। अगला फिक्रा, अस्सलामु अलैकी या शरीकतल हुसैन। नहीं डूबे, नहीं करूंगा वजाहत, आगे बढ़ो। आखिरी फिक्रा है, इस ज़ियारत के फिक्रे का तो तर्जुमा करने की भी जरूरत नहीं है ना, सारे हाफिज बैठे हो यहां पर है? ए हुसैन की शरीका ना तुमने। अगला फिक्रा पढ़ लो, अगर ज़ियारत के इस फिक्रे के तुमने लाज रख लिया अंबेडकर नगर वालों, तो पांचवा फिक्रा ज़ियारत तो तुम्हारी किस्मत में पड़ा जाएगा शहजादी ज़ैनब की तरफ से। बस इन उठते हुए हाथों के लिए मैं दुआ करूंगा, मौला इसी साल इन हाथों को जरिए बीबी ज़ैनब चूमने का मौका दे। सरों को उठाना, ज़ियारत का फिक्रा इस्तकबाल करना, अस्सलामु अलैकी या आलिमा गैर मौलिमा। ये है ना, अब हुई ना बात, अब आमादा हुए ना, अस्सलामु अलैकी या आलिम, कोहराम बरपा होने वाला है कसपुरा की जमीन पर। और आप चाहे जैसे सुनो बाबा, जुमला इतना बड्डा है मैं जमीन पे आने ही नहीं दूंगा, तुम चाहे जैसे सुनना, अस्सलामु अलैकी या आलिमा गैर मौलिमा, ऐ ऐसी आलिमा तुझ पे सलाम जिसका कोई उस्ताद नहीं। आहा जागो, ऐ ऐसी आलिमा तुझ पे सलाम जिसका कोई उस्ताद नहीं। यार फिक्र करो ना, जब नवासी का उस्ताद ढूंढने से नहीं मिलता, कोई नाना को कहां से पढ़ा देगा? आप लोगों को शुक्रिया सरकार, अप्रिशिएट करने का, देर से सही लेकिन आवाज आई सरकार है,
सराहने से सही भाई, जब नवासी का उस्ताद ढूंढने से नहीं मिलता, कोई नाना को कहां से पढ़ा देगा? बताऊं आलिम गैर मौलिम का, सुन लो आज नवेदाब्दी से आलिम गैर मौलिम खत्म हो गई तकरीर आज की, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे सरकार, महल को महसूस करिएगा भाई। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। आपको पता है सर्दियों में आपने देखा होगा अपने घरों में, घर में कमरा होता है, कमरे में ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट होता है ना, फितरत फितरत करके फितरत है, जहां मां होगी वहां बेटी जाएगी, दीवाने हो जाओगे, नींदें हराम हो जाएंगी, जहां मां होगी वहां बेटी जाएगी, जहां बाप होगा वहां बेटी जाएगी, क्योंकि खुसूसन बेटियों को बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, है? जहां बेटी होगी वहां बाप जाएगी, बाप जाए बेटी जाएगी, जहां बाप वहां बेटी, जहां भाई वहां बहन। आसान करूं, तुम पहुंचे नहीं, मैं तुम्हें हदीस से किस्सा सुना रहा हूं, जहां नाना, यार मेरी मेरी मेहनत की लाज रख लो यार, खून है खून है जिगर दे रहा हूं, हालांकि मिंबर पे मैं रुदादे सफर बयान नहीं करता, जो जानते हैं वो जानते हैं मुझे, मैं कैसे वक्त निकालकर आज की तारीख में आपकी नौकरी के लिए आया हूं सरकार, मैं आप सबका नौकर हूं, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज हैं, आपके पैरों की धूल मेरी आंखों का सुरमा है, लिहाजा आप मेरे वक्त को कीमती समझिए। अगर ये 1500-2000 का मजमा है ना, ये 2000 का मजमा नहीं, 2000 घंटे लेकर बैठा हूं मिंबर पे, है लिहाजा मेरे वक्त को आप कीमती समझिए। बस क्या है शहजादी ज़ैनब भाई, कॉमन सेंस की बात है, जहां बाप होगा आपकी यही खामोशी किसी तूफान का ऐलान कर रही है, अब चलते आना दीवाने हो जाओगे बाबा हैं, जहां मां वहां बेटी, जहां बाप वहां बेटी, जहां भाई वहां बहन, जहां नाना वहां नवासी। यार तुमने कभी सोचा जब चादरे तथीर में पंजतन एक तन हो गए, जैनब चादरे तथीर के बाहर खड़ी रही, अंदर क्यों नहीं आई? खूने जिगर है बाबा है भाई, सोचिए सोचो यार, बता रहा हूं औरत की ताकत क्या है। आलमाए गैर मौलिमा की तशरीह हो रही है कसपुरा की जमीन पर 2022 में, है शहजादी ज़ैनब आलिया आलमाए गैर मौलिमा कैसे है भाई, जब चादर तथीर में पांच तन एक तन हो गए, पंजतन आ गए, चार साल की है ज़ैनब, जब हदीस से किसा आयत तथीर नाजिल हुई है, ज़ैनब खड़ी है चादर तथीर के बाहर, मैं देखता हूं कितने सोच समझ के वावा कर रहे थे, कितनी हुई वावा कर रहे थे, है भाई ज़ैनब बाहर खड़ी है, अंदर नहीं आई। क़िबला ज़ीशान साहब, एक 60 साल वाली है उम्मे सलमा, वो तो कह रही है मैं आ जाऊं, यार यार यही तो मुसीबत है ना, यही मुसीबत है, कोई बात आराम से पढ़ दीजिए, आप सोचते बात में दम नहीं। अरे भैया आप मानो ना मानो यार, ये तकरीर का जुमला नहीं, सिक्का रायजुल वक्त है, अंबेडकर नगर में चले ना चले पूरी दुनिया में चलता है, है? और चलेगा चलेगा भाई, सोचिए ना जो 60 साल वाली है मोमिना उम्मे सलमा, 60 साल वाली तो कह रही है मैं आ जाऊं, 4 साल वाली खामोश खड़ी है। आलम गैर मौलिमा शहजादी ज़ैनब ने चादर तथीर में ना आकर पहला पैगाम ये दिया है, याद रखो अगर कुछ देर के लिए इमाम पर्दे में चला जाए तो दीन को बेवारिस ना समझना, दीन की वारिस ज़ैनब है। ये है अंबेडकर नगर, ये है अंबेडकर नगर, ये है तुम्हारी समाज। दुनिया से नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया से नहीं, पर्दे में चला जाए। आखिरी तकरीर के 5 मिनट मसाइब नहीं, फजाइल, मसाइब से फजाइल भाई, अगर कुछ देर के लिए इमाम पर्दे में चला जाए, दीन को बेवारिस ना समझना, दीन की वारिसा ज़ैनब है। वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे, मसाइब नहीं, मसाइब नहीं, कंट्रोल करिएगा। इमाम हुसैन का सर कटा,
तुमने यार मेरा मूड बना दिया। कितने फिक्र गए थे पढ़ने के लिए? चार। और क्या कहा था, अगर आमादा हो गए तो पांचवा भी पढ़ दूंगा ना। सरों को उठाना, जिनके बाजुओं पे पंजतन का कर्ज है, ज़ियारत के पांच पे फिक्र का इस्तकबाल करेगा और तारीख इस्तकबाल होगा कसपुरा की जमीन पर। मैंने विजहत कम लफ्जों में कर दी, जो समझ रहा है उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझ रहा है उसे समझने की दुआएं हैं। पांचवा फिक्र पढ़ता हूँ, ज़ियारत बीबी ज़ैनब का, अपनी तरफ से, अपने वालदैन की तरफ से, आप सबकी तरफ से, आप सबके वालदैन की तरफ से, आप सबके मरहूमीन की तरफ से, तमाम मराजे इकराम की तरफ से, हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान की तरफ से, क़ुर्बतन इलल्लाह तारीखी जुमला क्या है ज़ैनब? अस्सलामु अलैकी या हफ़ज़त अल इमाम, ए इमाम की हिफाजत करने वाली। जागो भाई, मेरी बात पहुंच रही, जो खड़े हैं भाई, क्या है फिक्र? अस्सलामु अलैकी, कयामत है, कयामत है तुम्हारे सुन। अस्सलामु अलैकी या हफ़ज़त अल इमाम, ए इमाम की हिफाजत करने वाली, तुझ पे हमारा सलाम। यार मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। जो दीन की हिफाजत करे वो इमाम, जो शरीयत की हिफाजत करे वो इमाम, जो हकाम की हिफाजत करे वो इमाम, जो जो कुरान की हिफाजत करे वो इमाम, जो कुल कायनात बचाए उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम को बचा ले उसे ज़ैनब कहते हैं। आप भी लगा लेना, आपकी बारी, आ जाइए, आ जाइए। खत्म हो गई बस बाबा। अज़मत अबू तालिब अलैहि सलाम पे बाबा ने बुलंद सलवात। सलामत है, ये मजमा सलामत है। जो कुल कायनात बचाए उसे इमाम कहते हैं। लफ्ज बदल दूं, इजाजत है लफ्ज बदलूं? जो इमाम ने जो एक वक्त में नौ इमामों को खैमों से जिंदा बचा लाए, अल्लाह जाने जुमला कहां तक पहुंचा। एक इमाम नहीं, नस्ले इमामत को बचा के लाई है ज़ैनब। अच्छा कब लाई? शाम गरीबा में लाई। कैसे भाई? मैं पाबंदी करता हूं वक्त की, डेढ़ दो मिनट है आमादा रहना। कैसे? क्योंकि नारे के वक्त मैं तकरीर में से घटा देता हूँ, वो आपका वक्त है, है? और सब नारे का वक्त ही नहीं, जितनी सांसें आप ले रहे हो ये सांसें हुसैन की दी हुई हैं। जो अल्लाह ने दी है जिंदगी वो अलग है, है? इस वक्त की सांसें हुसैन ने तुम्हें दी हैं, है? तो लिहाजा अब बुखरा माता रहना भाई। शहजादी ज़ैनब ने वहां शोर क्या मच रहा, लौर भाई इमाम इमाम मारा गया। शहजादी ज़ैनब भाई मसला पूछा, आखिरी एक मिनट प्लीज, आई टू आई कॉन्टेक्ट इस्माइल सैंथोसियम, बेदार होके मुझे देखो, तकरीर तमाम हो गई है। शहजादी ज़ैनब भाई चौथे इमाम से मसला पूछा, कब पूछा, कब पूछा? शामे गरीबा में, शामे गरीबा में क्या है? धुआं, अंधेरा, मसाइब नहीं, मसाइब नहीं है, 72 के दाग, हैरानी, परेशानी, मसाइब, मुसीबत, भद्दड़, ताजियाने है, यही तो है शामे गरीबा में। शहजादी ज़ैनब भाई आने के बाद चौथे इमाम से मसला पूछा, आप जो बैठे हैं वो बोले ना बोले, जो खड़े अब मैं इनसे पूछूंगा, उधर तक अमाता हद नजर मेरी निगाहों के सामने मजमा है, है? बस शहजादी ज़ैनब भाई और चौथे इमाम से मसला पूछा, चौथे इमाम ने इस मसले का जवाब सही दिया या गलत? नाउज़ बिल्ला, सुम्मा नाउज़ बिल्ला, नहीं। जब तक एक एक जवान मिलकर नहीं बोलेगा जो खड़ा है, तुम बोलो तो सवाब में इजाफा है, आप बोले। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो कि कहना क्या चाह रहे हैं, आसान कर देता हूं, मैं तो सोच रहा था तुमको मसला पता होगा। मसला यह, शहजादी ज़ैनब भाई आने के बाद पूछा, बेटा जल के मर जाए या जान बचाए? चौथे इमाम ने जो जवाब दिया, भाई ओ भाई प्लीज मुझे देखो, है? चौथे इमाम ने इस मसले का जवाब सही दिया या गलत? 13, 14, 16 आवाज, बाकी 10 सेकंड दे रहा हूं।
शहजादी ज़ैनब ने जो मसला पूछा, इस मसले का जवाब चौथे इमाम ने सही दिया, गलत सही दिया। अरे भाई शहजादी ज़ैनब मसला नहीं पूछ रही थी, शहजादी ज़ैनब शाम गरीबा में ज़हने कुव्वत इमामत का ऐलान कर रही थी। ज़ैनब शाम गरीबा में तारीख जुमला, ज़ैनब शाम गरीबा में ज़हने कुव्वत इमामत का ऐलान कर रही थी। देखो दुनिया वालों, जब इतने सदमों के बावजूद मेरे भतीजे का दिमाग खराब नहीं होता, शहजादी ज़ैनब शाम गरीबा में ज़हने कुव्वत इमामत का ऐलान कर रही थी। देखो दुनिया वालों, जब इतने सदमों के बावजूद मेरे भतीजे का दिमाग खराब नहीं होता, तो मेरे नाना का दिमाग कहां से खराब हो सकता। ऐलान करिए, ज़ैनब क्या है? ज़ैनब मैं बताऊं, ज़ैनब क्या है? मक्तल कहता है सरकार सैयद शहदा इमाम हुसैन 71 लाशों पे आए। अच्छा यजीद का प्लान क्या था? हुसैन को मार दिया जाए, हुसैन यानी इमामत को मार दिया जाए। इमाम हुसैन ने कहा यजीद तू मुझे मारना चाह रहा है और तू मुझे मारेगा, मैं सिर्फ इंसान थोड़ी ना हूं, इंसानों का इमाम हूं। यार हुसैन ने जुमला कहूं, नोट करोगे भाई? कोट करना। हुसैन ने नोके नेजा पर की है कुरान की तिलावत, और तिलावत करके बताया अगर कुरान इंसान, अगर कुरान इंसानों में आ जाए तो हुसैन बन जाए, हुसैन अगर किताबों में चला जाए तो कुरान बन जाए। अल्लाह जाने कितनी आसानी से जुमला सुना है, अगर अगर कुरान इंसानों में आ जाए तो हुसैन बन जाए, हुसैन अगर किताबों में चला जाए तो कुरान बन जाए। हुसैन कह रहा है मैं सब हुसैन थोड़ी ना हूं, मैं इमाम भी तो हूं। तू सोच रहा है यजीद मैंने इमाम मार दिया, तुम थक गए ना, इसलिए तकरीर भी खत्म हो गई। इमाम हुसैन ने कहा यजीद तू सोच रहा है मैंने इमाम मार दिया, तू सोच रहा है मैंने इमाम मार दिया, अगर दो इमाम तेरे घर तक ना पहुंचा दूं। पीछे से आवाज आ रही है किबला अब तो तकरीर शुरू हुई है। जुल्म इतने भी ना करके कोई समझे दुश्मन, मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है। खत्म हो रही है बात। मक्तल कहता है उसको, बस मक्तल कहता है सरकार सैयद शहदा इमाम हुसैन 71 लाशों पे आए। मक्तल है अल्लामा ताऊस ने लिखा, हर लाशे पर हुसैन आने की बात कहते थे अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। जीशान भाई नोट करिएगा, 71 लाशों पे हुसैन ने कहा, 72वां लाशा हुसैन का था,
आप तो रोते भी खूब हैं। हाँ रोया करो, रोया करो, और जब रोया करो तो अपने चेहरों की परवाह ना किया करो, क्योंकि ये बिगड़े हुए चेहरे जहरा को बहुत पसंद हैं। जज़ाकअल्लाह मौला, मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। 11 मुहर्रम आई, बेतजावा ऊंट पर बेरदा ज़ैनब हाथ पसे गर्दन बने हैं। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं ना, हुसैन का चहलुम किया है ना, ये मेरी परदादार बहनें बैठी हैं। हर बहन यही चाहती है मैं पहले मर जाऊं, भाई मेरा जिंदा रहे। और अगर किसी का भाई मर जाए ना, और बहन जब जनाजे में शिरकत करने जाती है, है? तो घर वाले क्या कहते हैं बहन से, जब आई हो तो 40वां करके जाना, यही कहा जाता है। लेकिन हाय जब 11 मुहर्रम आई, जजा 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 कल्ला जजा कल्ला जजा कल्ला, कयामत का गिरिया है, कयामत का गिरिया है। हाथ पसे गर्दन बने हैं। जैनब ने क्या देखा, भाई का लाशा बेगोरो बेकफन। जैनब ने अपने आप को ऐसे गिराया जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। तुम समझ गए ना, मुंह के बल गिरी, भाई के लाशे पर आई। आने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। तुम समझे नहीं जैनब क्या है, जो 71 की शहादत कबूल करवाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन की शहादत कबूल करवाए। और जब जैनब को उठाया गया तो कैसे उठाया गया, ताजियाने मार के उठाया गया, ताजियाने। और सिर्फ जैनब को नहीं, सकीना को भी ताजियाने मारे गए। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे यार, आप बेटियों वाले हो ना, आप साहिब औलाद हो ना, मैं भी साहिब औलाद हूं, मेरी भी तीन साल की बेटी है। यकीन मानिए, जैसे ही फलक पर अय्याम अज़ा का चांद आता है ना, हम अपने अपने घर को छोड़ देते हैं, है? अब जब 9 रबी अव्वल आएगी, 9 रबी अव्वल को मुझे घर जाना नसीब होगा। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे। हम 2 महीना 8 दिन घर नहीं जाते, इत्तेफाक से जब कभी भी घर पे फोन लगता है ना, 3 साल की बेटी जीशान भाई फोन उठाती है, पहला जुमला यही कहती है, पापा घर कब आओगे। यार ये बेटियां चाहती क्या है, ये बेटियां कुछ नहीं चाहती, ये बेटियां बस ये चाहती है बाप कितना ही ज़ईफ़ क्यों ना हो जाए, बाप कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, बस यही चाहती है बाप निगाहों के सामने रहे, बाप घर में रहे, निगाहों के सामने रहे। चूंकि जब तक बाप घर में रहता है ना, बेटियों को अपना घर भी अपना लगता है। जब बाप घर छोड़ के चला जाता है, बेटियों को अपना घर भी अपना नहीं लगता। यही वजह है सकीना कह रही थी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। जिन मसाहिबों का हुक्म हुआ है वो मसाहिब सुन ले। जैनब ने आके कहा, भैया जैनब जा तो रही है लेकिन इस जमीन को जल्द ही जैनब आमाद करेगी। तुमसे भी गुजारिश करूं, ता हद नजर मेरी निगाहों के सामने मजमा है, कोई बैठा है कोई खड़ा है, जो मुझे देख सकता है वो मुझे देखे, जो मुझे लाइव सुन रहा है जौनपुर की आजा के जरिए, से मेरी गुजारिश है यार, अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो, क्योंकि इन बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है। ये बहने भाई का शिकवा तो बर्दाश्त कर लेती है, गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही वजह है, बस ज्यादा देर नहीं, 4 या 5 मिनट के अंदर मसाइब तमाम। यही वजह है जब करबला की जमीन पर मोहम्मद बिन अशद बिन कैस का लश्कर आया, बहन का दिल घबराया, जहां जमीन करबला हिली जैनब का दिल हिलने लगा, घबरा के कहा, भैया वहां लश्कर पे लश्कर आ रहा है,
क्या कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद के लिए आ जाए? मेरे मौला ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, तुमने नाना का जमाना देखा, नाना का जनाजा घर में रखा रहा, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, अम्मा दरबार में खड़ी खड़ी ज़ईफ़ा हो गई। हया नहीं, हया नहीं, हया नहीं करना, रोने में हया नहीं करना। जानते हो जब मजलिसे इमाम हुसैन में ज़ीशान भाई आवाज़ें बुलंद होती है ना, हमारा और आपका छठा इमाम दुआ करता है और दुआ करते करते कहता है परवरदिगार उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे जद हुसैन के मसाए पर बुलंद होती है। बहन ज़ैनब, तुमने देखा ना, मुसलमानों ने बाबा का भी साथ नहीं दिया। मेरी बहनों माफ़ कर देना, मेरे मौला ने फरमाया, बहन ज़ैनब तुमने देखा ना, भैया हसन का जनाजा घर लौट के आया, और जब घर लौट के आया तो तुम्हीं ने मुझसे कहा था, भैया मैंने तो सफ़ेद कफन दिया था, ये लाल कैसे हो गया? ऐ बहन बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? ऐ जवानों मातम करना। ज़ैनब ने फिक्र कहा, भैया मैं एक ऐसे को जानती हूँ, अगर बुलाओगे तो मना नहीं करेगा। कहा बहन किसको? कहा भैया हबीब को बुला लो। अब होगा मातम, अब होगा मातम। मुझे देखो, मुझे देखो। हुसैन ने खत लिखा, खत में लिखा, ऐ रजुल फकीर, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, ऐ मेरे हबीब, जो लोग करबला ज़ियारत करके आ चुके हैं उनको पता होगा, आज भी ये खत हबीब के ज़रिए पे लिखा हुआ है। हुसैन ने लिखा, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, मैं करबला में नरगए आदम में घिर चुका हूँ, ऐ हबीब आ सकते हो तो आ जाओ, कयामत का फिक्र रखा। हुसैन ने आगे बढ़ के लिखा, हबीब आने में देर ना करना, हुसैन अकेला नहीं आया, ज़हरा की बेटियाँ रो रहे हो, कोई तमाचे नहीं मारेगा। अगर हल्की हल्की बौछारें भी आ रही हैं ना, पानी की तो बौछार है ना, पत्थर तो नहीं है ना। हल्की हल्की अगर बौछारें आ भी रही हैं ना, पानी है ना, ठंडा है ना, खोलता हुआ पानी तो नहीं है ना। मातम कर लेना, भैया हबीब को बुलाओ। खत लिखा गया, जो कमज़ोर दिन वाला है वो उठ के चला जाए, जो बर्दाश्त कर सकता है वो बर्दाश्त कर ले। खत लिखा गया, तारीख कहती है उस वक्त कासिद खत लेकर पहुंचा जिस वक्त जनाब हबीब दस्तखान पे बैठे थे। मुझे देखो, जैसे ही हबीब ने पहला लुकमा खाया, लुकमा हल्क में फंसा, हबीब ने एक जुमला कहा, लगता है कोई भूखा याद कर रहा है। नहीं फटता तुम्हारा कलेजा कसबुरा वाला, जौजा ने कूजा उठा के दिया, कूजा हाथ से छलक के जमीन पे गिरा, पलट के कहता है, लगता है याद करने वाला सिर्फ भूखा नहीं है, प्यासा भी है। जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमले, डक्कुल बाप हुआ, हबीब ने खत को पढ़ा, जौजा के पास आए, आवाज तुम्हारी समझ में आएगा, मैंने क्यों कहा अगर औरतें ना होती तो आज आज़ादारी का ये मेयार ना होता, आज औरतों ने आज़ादारी को बचाया है। ऐ रोने वालों कयामत हो गई। हबीब लौट के आए, आने के बाद कहते हैं, ज़हरा का लाल करबला में बुला रहा है, खत आया है, सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। ऐ मेरी शहजादी, मुझे ताकत दो, जुमले पढ़ दूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। एक मरतबा हबीब की जौजा ने चूड़ियों को उतारा, हबीब के सीने पे फेंक के मारा, ऐ हबीब शर्म नहीं आती, ज़हरा का बेटा। भैया थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, साउंड की, साउंड की थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। बस आखिरी जुमला, घरों तक रोते हुए जाओगे, मजलिस तमाम हो गई। तारीख कहती, सारे मैंने मसाब छोड़ दिए, क्योंकि कुछ लोग रोने में हया कर रहे हो ना। अल्लाह जाने क्यों शर्मा रहे हो यार, क्यों नहीं रोते यार? सोचो ना, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तमाचे मारे, तुम्हारी माँ को तमाचे मारे, कैसे बर्दाश्त करोगे? बस ये कलेजा सैयद सज्जाद के पास था। मजलिस तमाम हो रही है, इंशाल्लाह घरों तक रोते हुए जाओगे। हबीब ने खत पढ़ा, मुझे देखो, हबीब ने खत पढ़ा, गुलाम से कहा कूफे के बाहर खड़े हो जाओ, चलो छोड़ दिए सारे मसाइल, क्योंकि ना आप मेरे कलेजे के अंदर ताकत है, ना तुम बर्दाश्त कर पा रहे हो, मुझे माफ़ कर देना, कयामत का फिक्र है। तारीख कहती, हबीब करबला आ गए, जैसी हबीब का करबला आना था, एक शोर उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब ने कहा, अम्मा
शोर कैसा है। ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, देखा, एक जुमला कहा, शहजादी मुबारक हो, हबीब आ गया। मातम, हबीब आ गया, हबीब आ गया। ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा, हबीब को मेरा सलाम कह दो। मातम कर लेना यार, हबीब को मेरा सलाम कह दो। जैसी सलाम पहुंचा, मुझे देखो ना, हबीब ने सर से अमामा उतारा, जमीन बठेगा, कह ये वक्त आ गया, आकाजाद या गुलाम जादों को सलाम। लो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ऐ मेरी पर्दादार माँ और बहनों, आज की मजलिस तमाम, आज की तकरीर तमाम, आखिरी जुमले हबीब करबला में आए, हबीब शहीद हो गए। किताब का नाम है दमतुस साकिबा, घरों तक रोते हुए जाओगे। किताब का नाम है दमतुस साकिबा। बस 40-45-50 सेकंड मजलिस तमाम। किताब का नाम है दमतुस साकिबा। आका इमाम मोहम्मद बाकर के हवाले से रिवायत है, साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं, जब 12 मुहर्रम को अहले हरम का काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ, दाखिल होने का अंदाज ये था, लैला के सामने अकबर का सर। यार मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, कलेजा नहीं बटा तुम्हारा। ऐ मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। बस खत्म हो गई तकरीर, आखिरी जुमले, लैला के सामने अकबर का सर, फरवा के सामने कासिम का सर। कर लोगी बर्दाश्त? रबाब के सामने असगर का सर, असगर का सर तीर पे था। रिवायत कहती, जब अहले हरम का काफिला, जिन्हें रोना नहीं आ रहा, सरों को झुका लेना, आखिर 30 सेकंड है, तकरीर तमाम हो गई। साहिब दमतुस साकिबा कहते हैं, जब अहले हरम का काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ, कूफे में दाखिल होना था, तमाशाइयों का हुजूम था, इन्हीं तमाशाइयों के दरमियान हबीब का बेटा भी खड़ा हुआ था। हबीब का बेटा एक एक सर को देखता जाता है, देखते देखते, मुझे देखो, देखते 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 हबीब के बेटे ने अपने बाबा के सर को पहचाना। ओ मेरा भाई, ओ मेरा भाई, हया नहीं, हया नहीं। आखिरी जुमला, सरों को देखते देखते हबीब के बेटे ने अपने बाबा के सर को पहचाना। साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं, जैसे ही हबीब के बेटे ने अपने बाबा के सर को पहचाना, घर लौट के आया, तलवार उठाई, दोस्तों को बुलाया, जो गैरतदार है मातम कर ले, दोस्तों को बुलाया, बुलाने के बाद मिलके हमला किया, मिलके हमला किया, जिस नेजे पर हबीब का सर था, जिस नेजे पर हबीब का सर था, उस नेजे को छीना, नेजे, मुझे देखो, उस नेजे को छीना, नेजे को छीनने के बाद नेजे से सर को अलग किया, सर को अलग करने के बाद अपने दामन से हबीब की पेशानी से बहने वाले। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, तकरीर मैं तमाम कर रहा हूं, बस ठीक है, छोड़ दो मेरा भाई। ओ मेरा भाई, वो छोड़ दे यार, बस आप छोड़ दे, हाथ डालो, आखिरी जुमला मुझे पढ़ने दो। ये मेरे परवरदिगार, हमसे कह तो शियो रोते क्यों हो, हमसे कहा करो मर क्यों नहीं जाते। अरे कयामत हो गई, हबीब के बेटे ने, हबीब के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर हमला किया। साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं, नेजे को छीना, नेजे को छीनने के बाद जिस नेजे पर हबीब का सर था, सर को अलग किया, दामन से हबीब के पेशानी से बहने वाले पसीने को साफ किया, साफ करने के बाद होठों को चूमा, और चूमने के बाद एक जुमला कहा, जिसका जवान बेटा जिंदा हो। तुमने सुन लिया, तुम्हारा कलेजा ना फटा। क्या कहा? जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाप का सर नोके नेजा पर नहीं होता। ऐ रोने वालों, जैसे ही सैयद सज्जाद ने ये जुमला सुना, हाथों को जोड़ा, ऐ बाबा मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूं, मैं अकेला नहीं, जहरा की बेटिया बेमकना हो चादर, ऐ बाबा तेरा बेटा बड़ा शर्मिंदा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बजाई मातम हुसैन।